इस वाली वीडियो में बात करने वाला हूँ आईफोन्स के बारे में। आईफोन 11, 12 एंड 13 तीनों ही बेस मॉडल हैं एंड तीनों के बारे में बात करूँगा कि कौन सा गेमिंग के लिए बेस्ट आएगा। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती रहेगी तो जो अपना परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी। आपको पता होगा कि आईफोन 11 के बाद आईफोन 12 आया तो उसमें 11 से अच्छी परफॉर्मेंस होगी एंड 13 में उससे भी अच्छी। बट मैं आपको इस वीडियो में वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बताने वाला हूँ, मतलब कि जितनी उसकी प्राइस है तो उसके हिसाब से फ़ोन कौन सा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप आईफोन 13 लोगे तो उसका प्राइस अभी लगभग 65 टू 70 के बीच में है। ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये फ़ोन भी अभी iOS 16 में लैग होता है। अगर वो फ़ोन लैग नहीं होता iOS 16 में तब ठीक था। और 11 की बात करूँ तो अभी वो फ़िलहाल 40 का मिल रहा है सारे ही ऑनलाइन स्टोर्स में, एंड अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो 35 तक भी मिल सकता है, बिकॉज सेल में वो 32 का भी मिला था, तो आप ऑफलाइन उसको ले पाओगे। एंड अगर आप सेकेंड हैंड भी आईफोन 11 लेते हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पर आज के डेट पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ एंड HDR एक्सट्रीम पे भी आज भी लैग नहीं होता है, क्योंकि मेरा iOS 15 है तो iOS 15 में तो इतना ज़्यादा लैग नहीं होता। बट अगर आप 16 पे अपडेट कर लोगे अपने आईफोन 11 को तो लैग हो सकता है, और अगर आप न्यू परचेज करोगे तो शायद उस पर iOS 16 ही आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आईफोन 12 जो मैंने वीडियो बनाई थी अभी वो बेस्ट है इन तीनों में, बट इसका प्राइस अभी फ़िलहाल 50K तक आपको ये मिल जाएगा, तो 11 से 10,000 रुपये ज़्यादा है। बट एक जनरेशन बड़ा आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5G फ़ोन है, 11 4G है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आईफोन 12 की तरफ जाओ, क्योंकि वो 50 में मिल रहा है एंड 13 की बात करो तो वो 65 से ऊपर मिल रहा है, मतलब 15,000 का फ़र्क है। एंड दोनों ही फ़ोन में कुछ भी फ़र्क नहीं है कैमरे के अलावा, बस एक प्रोसेसर का अंतर है एंड थोड़ा सा फास्ट, मतलब 2-3 सेकेंड्स का अगर कोई भी ऐप ओपनिंग का टाइम देखोगे तो इतना डिफरेंस आएगा, बट 12 और 13 में। तो 15,000 आप ज़्यादा खर्च करोगे सिर्फ गेमिंग के लिए, अगर आपको फ़ोन लेना है तो 12 बेस्ट रहेगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 12 की तरफ जाओ, एंड वो 5G भी फ़ोन है, जब 5G प्रॉपरली सब जगह आ जाएगा तब आप उस पर भी 5G चला पाओगे। अभी तो 12 आपको 50 का मिल रहा है, बट अगर आप सेल पे देखोगे तो वो मिल रहा था लगभग 45 तक का मिल जा रहा था एंड 40 तक का भी मिल रहा था। और जिनके पास कम बजट है ना, मतलब 35 से 40 के बीच में, तो वो आईफोन 11 आज भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आईफोन 11 आज भी ले सकते हो आप, यहाँ तक कि XR भी ले सकते हो अगर आपको बजट और भी कम है, क्योंकि 60fps आपको ये चारों ही डिवाइस में मिलेगा एंड चारों ही क्या 14 में भी आपको 60fps देखने को मिलेगा, और ये सारे ही फ़ोन कॉन्स्टेंट 60fps देते हैं। तो अब अगर आप एक आईफोन परचेस कर रहे हो ना, XR से आगे जितने भी आईफोन हैं आपको परफॉर्मेंस लगभग सेम मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बुलेट रजिस्टर में, जायरोस्कोप में एंड डिस्प्ले में, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होगा। परफॉर्मेंस मतलब लैग तो होता ही नहीं है किसी में भी, बस वो कभी कभी आपको बताइए कि किस टाइम पे लैग होता है आईफोन्स में, जो बंदे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको बताइए। बाकी जिन्होंने 13 बाई कर लिया भाई वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, पर वैल्यू फॉर मनी नहीं है जितना उसका प्राइस है। प्राइस उसका बहुत ज़्यादा है, प्राइस के हिसाब से उसमें कैमराज एंड सब कुछ अच्छा दिया गया है, बट मैं एक गेमर के तरफ से बात कर रहा हूँ, मतलब कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज़ के लिए फ़ोन लेना है तो आप 12 की तरफ जाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बस यार, जिनको भी कन्फ्यूज़न हो रहा था तीनों ही फ़ोन के बीच में, तो मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। तो आप अभी 12 ले सकते हो एंड 13 भी ले सकते हो अगर ज़्यादा पैसा है तो, और सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए तो यार बेस्ट है 12, एंड गेमिंग के लिए तो आईफोन 11 भी ठीक है, बट मैं आपको 5G के, मतलब अगर आपको 5G चाहिए तो आप 12 की तरफ जाओ। तो मिलता है अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।